हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर। मुझे बहुत खुशी है कि इस चैनल ने अभी अभी 1000 सब्सक्राइबर का मार्क क्रॉस कर लिया है। सो थैंक यू गाइस, ये सब आपके प्यार, लव और सपोर्ट के कारण ही पॉसिबल हुआ है। अगर आप मेरे वीडियोस नहीं देखते, मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते, उन पर कमेंट्स नहीं करते, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। 1000 सब्सक्राइबर, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। अपने प्यार और सपोर्ट को इसी तरह बनाए रखें ताकि मैं जल्द से जल्द और भी ज़्यादा अच्छे वीडियो बना सकूँ आपके लिए, और जो ये हमारी एक कम्युनिटी है वो ग्रो होती रहे। और अगर आप अभी तक इस कम्युनिटी के पार्ट नहीं हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, उससे आप इस चैनल के किसी भी वीडियो को नहीं मिस करेंगे। सो चलते हैं मेन टॉपिक के बारे में, वो है हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। तो 1000 सब्सक्राइबर इज़ नॉट दैट बिग डील, बट येस इट्स अ बिग डील फॉर दोज हु आर जस्ट स्टार्टिंग, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बिगिनर्स हैं, और उनके लिए 1000 सब्सक्राइबर बहुत है, मेरे लिए भी ये बहुत है। तो मैं कुछ टिप्स हैं जो शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने सीखी इस 1000 सब्सक्राइबर के मार्क को रीच करने में। तो जो सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है वो है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं, तो उसके लिए नंबर वन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि आप क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करें। अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी डजंट मीन के पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो या साउंड क्वालिटी अच्छी हो, हालांकि ये भी एक पार्ट है एक गुड क्वालिटी कंटेंट का, लेकिन ये मेन इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपके जो कंटेंट है उसमें वैल्यू कितनी है, कितना वो यूज़फुल है दूसरों के लिए। अगर आप क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी वॉच करेगा आपके वीडियो को तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करेगा, लाइक भी करेगा, और हाँ अगर उसके पास टाइम होगा तो कमेंट भी करेगा। तो आपको सबसे पहले जो नंबर वन टिप है वो है कि प्रोड्यूस क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करें। ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करें जो कि क्वालिटी हो, जिसमें कि क्वालिटी हो, और कोशिश करें कि ऐसा यूनिक कंटेंट क्रिएट करें जो कि अवेलेबल नहीं है दूसरे चैनल्स पर। अगर सपोज़ करो कि आपके पास कुछ ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो भी जानते हैं, जैसा भी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, उसमें अच्छे से अच्छे चीज़ उसके अंदर डालें और अच्छे से अच्छे नॉलेज उसमें प्रोवाइड करें, ताकि आपके जो व्यूवर्स हैं उनको कुछ उस आपके वीडियो देखकर उनको कुछ नॉलेज मिले और उनको कुछ हेल्प हो। तो ये थी मेरी टिप नंबर वन जो मैंने सीखी है इस 1000 सब्सक्राइबर मार्क को क्रॉस करने में। और जो दूसरी जो मेरी टिप है वो दूसरी टिप है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की। जो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि लगातार आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हालांकि मैं इस चैनल पर अभी आजकल कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं, पर मैं मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जैसे ही मुझे टाइम मिले तो मैं कंसिस्टेंटली क्रिएट कंटेंट करूं। अगर आप कंटेंट कंसिस्टेंटली क्रिएट करेंगे, लगातार क्रिएट करेंगे, चाहे वो हफ्ते में एक वीडियो है या हफ्ते में दो वीडियो है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है तो आपके सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी इंक्रीज होंगे। क्योंकि अगर कोई आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है और सब्सक्राइब करने के बाद उसको क्या होता है कि उसको आपके नए वीडियो का इंतज़ार रहता है, और अगर आप जो नया वीडियो है वो बहुत लेट पब्लिश कर रहे हैं, कभी एक महीने में, कभी दो महीने में, तो आप भूल जाइए कि आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होंगे, और वो भी सब्सक्राइबर जिसने आपको सब्सक्राइब किया है हो सकता है कि वो अनसब्सक्राइब भी कर दे, या फिर हो सकता है कि आपके वो वीडियो को देखे ही ना, या आप YouTube उसको आपके वीडियो का नोटिफिकेशन ही ना दे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करते रहें। तो ये जो टिप नंबर टू है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये ही दो मेन टिप्स हैं जो कि आपको 1000, 10000, 1 लाख, 1 मिलियन सभी सब्सक्राइबर टारगेट को पहुंचने में मदद करेंगी। इनके अलावा कोई और टिप नहीं होती है, ये दो मेन इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा कुछ सब टिप्स होती हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी। वो सब टिप्स क्या हैं तो मैं आपको ये बता दूँ।
तो सब टिप्स नंबर जो 3 है जो मैंने सीखी है वो इस 1000 सब्सक्राइबर के मार्क को क्रॉस करने में, वो ये है कि आपको एक ही तरह के कंटेंट क्रिएट करने पड़ेंगे, यानी कि आपको अपने कंटेंट की नीश या फिर निच डिसाइड करनी पड़ेगी, यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे भी इस चैनल पर मैंने बहुत सारे सभी तरह के वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन मेरे मेन जो वीडियोस हैं वो है नंबर 1 इंटरनेट पे मनी मेकिंग के बारे में या फिर पैसिव इनकम के बारे में, और जो दूसरा जो नंबर 2 है वो है कि यूट्यूब पे ग्रोथ के टिप्स। तो ये जो मेरे 2 मेन टॉपिक हैं और अब मैं इन्हीं पर स्टिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जब मैंने वीडियो बहुत सारे डाले थे तो मेरे मोस्ट पॉपुलर जो वीडियोस हैं वो इन्हीं 2 टॉपिक पर हैं। तो इन्हीं 2 टॉपिक को मैं चूज़ करके आगे बढ़ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हीं पे और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट क्रिएट कर सकूँ। तो आप भी अगर आपके सपोज करो कोई स्पेसिफिक निश नहीं है और आप रैंडम वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो आप अपने वीडियोज़ अपने चैनल पर जाएँ और अपने वीडियोज़ को सॉर्ट करें पॉपुलर के बेस पर, और पॉपुलर में देखें कि आपके कौन से वीडियोस ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और वो किस टॉपिक पर हैं। तो वो जिस टॉपिक पर भी हैं आपको उसी टॉपिक पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। ये टिप बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, मैंने भी ये मिस की है मेरे दूसरे चैनल पर, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ बहुत स्लो है। उसमें मेरे अभी तक आई थिंक 3,500 सब्सक्राइबर हैं, 3,500 के आसपास। तो हालांकि वो ग्रो हो रहे हैं, डेली उसमें ग्रो हो रहे हैं, लेकिन अब मैं उसमें भी ये सब जो टिप्स मैं सीख रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ही टिप्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपने ऊपर भी। तो ये थी मेरी 3 टिप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कंटेंट, कंसिस्टेंसी एंड तीसरा नंबर नीश डाउन और चूज़ योर स्पेसिफिक नीश और टॉपिक। तो ये मेरी 3 टिप्स हैं, आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट है या आप इनमें से कौन सी यूज़ नहीं कर रहे हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, वंस अगेन थैंक यू एवरीबॉडी फॉर 1000 सब्सक्राइबर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।